शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पास बिल किसानों के हित में। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में एक स्कूल की मनमानी के चलते लगातार अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते आज उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कूल की मनमानी के चलते जहां बच्चों को अपमानित किया जाता है और फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते आज हमने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप कर अपनी बात कही। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जिन अभिभावकों के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो सरकारी स्कूलों का रुख करें, क्योंकि सरकार द्वारा स्कूलों में उच्चतम शिक्षा दी जा रही है। हम चाहते हैं कि जो लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, वो सरकारी स्कूलों का सहारा लें। उनके इस कथन से अभिभावकों में काफी रोष है। अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इस दौरान देश बहुत नाजुक स्थिति में है, विदेश बहुत नाजुक स्थिति में है। हम ये बताओ भाई साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, और आप भी एक पत्रकार के अलावा एक आप व्यक्ति भी हैं, और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। मैं एक सामूहिक बात कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर जो कोई भी स्कूल वाला किसी बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन या किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दे रहा है, अगर जो उसके द्वारा किसी अभिभावक पे फीस के लिए जबरन दबाव बनाया गया, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर जो इसके बावजूद एक्शन वो नहीं लेते हैं, तो अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मैं लूँगा, ये तय है। लेकिन अगर जो प्राइवेट स्कूल किसी न किसी माध्यम से, नेट के माध्यम से ही, अगर जो अपने बच्चों को तालीम देते हैं, पढ़ा रहे हैं और उनके अभिभावक संतुष्ट हैं, तो उनको उस स्कूल को फीस देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी कर्मचारी हैं, वहाँ भी स्टाफ हैं, उनको भी वेतन देना है, क्योंकि उनको वेतन सरकार तो देने के ही है। इसी नाते एक इंसानियत के तौर पर हमको सब पक्षों को देखना पड़ेगा। तीन बच्चे हों चाहे और भी एक दो बच्चे फालतू भी हों, लेकिन अगर जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो फीस आपको देनी चाहिए। 28 को भारत बंद नहीं है, ये सरकारी स्कूल इसीलिए खुले हुए हैं, आप क्यों प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं? सरकारी स्कूल में अच्छी हम शिक्षा दे रहे हैं, प्रत्येक विषय का अध्यापक हमारे स्कूल में मौजूद है, आप क्यों सरकारी स्कूल में भेजते हैं? आपका भी कहना है कि आपका उसके बाद मैं कोई बात इनकी माली हालत ज़्यादा दयनीय है, हमारे सरकारी स्कूल में है ना, हम पे विश्वास करें ना, और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। सरकारी स्कूलों में हम दूरसंचार के माध्यम से भी, रेडियो संचार के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से एपिसोड बना के हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाइट नहीं होती है, घरों में लाइट होती है, और हमने बिल्कुल आपकी जब बात बोल रहे हैं, मैं आपकी बात पर किसी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अपवाह स्वरूप एक जगह हो भी सकता है, हम उसको ठीक करें। देखो मंत्री जी के सामने मैंने अपना दर्द रखा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये काम हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमने उनको एक रिक्वेस्ट दोबारा करी, सर इसमें अभी भी अन्याय हो रहा है, अन्याय वास्तव में हो रहा है सर। अगर आप अपने सब लोग, ये आप सबके बच्चे भी होंगे, हमारे बच्चों के साथ जो है अब जो व्यवहार किया जा रहा है, जिन बच्चों के मेरे दोस्त लोगों के बच्चों के साथ अगर उनकी ऑनलाइन क्लास बंद हो जाती है, तो सोचो बच्चों के ऊपर मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आप खुद सोचो ना सर। अरे तेरी ऑनलाइन क्लास बंद हो गई है क्या, तेरे पापा के पास पैसे नहीं है क्या, तुमने फीस जमा नहीं करी है क्या? सर इस तरह की अगर बातें बच्चों के आपस में ग्रुप में फैलेंगी तो एक क्या संदेश जाएगा? स्कूल एक शिक्षा के लिए बैठा है, जिसमें जितने भी पेरेंट्स हैं वो एक टीम की तरह स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कभी भी किसी टीचर की बुराई नहीं करी, इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, इतना अच्छा मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो स्कूल का मैनेजमेंट है उन्होंने जो गलतियां करी हैं उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार कायदे में अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हमारे बच्चों ने ना प्लेग्राउंड यूज़ किया, ना स्मार्ट क्लास यूज़ करी, ना लैब यूज़ करी, ना कंप्यूटर यूज़ करे, ना एसी रूम यूज़ करे, तो हम क्यों पिछले साल वाली फीस दे दें? वो कहते हैं अभिभावकों की गलती है, उन्होंने क्यों नहीं देखा कि जो ट्यूशन फीस है उसमें हमने सब चीज़ें मर्ज कर दी। अरे भाई आपने मर्ज कर दी, लेकिन सरकार ने जब इतना सिंपल वर्ड लिखा है, दी ओनली ट्यूशन वर्ड, मैं इसलिए जान के जोर से बोल रहा हूँ, दी ओनली ट्यूशन वर्ड की परिभाषा क्या है? जो बाकी के स्कूल हैं जो इसका पालन कर रहे हैं उनके साथ अगर हम अपने बच्चों या अपने आप को कंपेयर करें तो हम ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वही फीस ले रहे हैं जो हमने पिछले साल दी थी। तो कोरोना काल में पेरेंट्स का दर्द स्कूल ने क्या समझा? तो आज क्या लगता है आपको, मंत्री जी के सामने बात रखी आपने, विरोध प्रदर्शन भी करा काली पट्टी? देखिए आनंद भारद्वाजी से मैं अभी बाहर भी बात करके आया हूँ, उन्होंने मुझे फिर दोबारा आश्वासन दिया है कि इसके लिए वो एक कदम उठाएंगे, और ट्यूशन फीस क्या होनी चाहिए उसके लिए एक डेफिनेशन डिफाइन होगी। मंत्री जी ने क्या आदेश दिया? मंत्री जी ने बोला कि आनंद भारद्वाजी जी पूरा साथ देंगे। रिपोर्ट, BSRS News, हरिद्वार।